हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा स्कैपुलर डाइस्काइनेसिस। स्कैपुलर डाइस्काइनेसिस क्या होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि स्कैपुला क्या होता है, जो हमारे पीछे अपर बैक में एक हड्डी होती है हमारी, उसे हम कहते हैं स्कैपुला। तो आज हम स्कैपुला के बारे में जानेंगे और स्कैपुला में होने वाले स्कैपुलर डाइस्काइनेसिस के बारे में जानेंगे। स्कैपुलर डाइस्काइनेसिस क्या होता है, किस तरीके से ये बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है और किन कारणों से ये होता है, और इसके कितने टाइप यानी कि कितने तरीके का ये होता है, हम इस बारे में आज जानेंगे। तो इसके पहले हम सबसे पहले बात करेंगे स्कैपुला के बारे में कि हमारा स्कैपुला क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और बात करते हैं हम स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला, स्कैपुला एक त्रिकोण आकार की चपटी और त्रिकोण आकार की हड्डी होती है, जो कि हमारे पीछे अपर बैक में रहती है, यानी कि ऊपर की तरफ का जो कमर का हिस्सा होता है हमारा, जिसे हम अपर बैक कहते हैं, उस हिस्से में एक चपटी और ट्रायंगुलर शेप की ये हड्डी होती है। इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड जिसे हम कहते हैं, ये किसी स्ट्रॉन्ग जॉइंट से कनेक्ट नहीं होती है। इसके आसपास इसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, जो कि इसको उस पोजीशन में रखती है और इससे मूवमेंट करवाती है। तो जो हमारा स्कैपुला है, जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं हम, एक चपटी त्रिकोण आकार की हड्डी होती है, जो कि हमारी बैक में, अपर बैक में रहती है। ये देखिए, ये एक चपटी त्रिकोण आकार की हमारी स्कैपुला होती है। ठीक है, हमारी जो स्कैपुला होती है, जो हमारे रिब्स होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमारे पेयर्स में 12-12 रिब्स होते हैं, जिसे हम पसलियां कहते हैं। ठीक है, तो इन रिब्स के पीछे की तरफ के पोस्टीरियर सरफेस में ये रहती हैं और रिब्स को हम नंबर के हिसाब से बांटते हैं, जैसे पहली रिब्स, दूसरी रिब्स, तीसरी रिब्स। तो जो हमारी स्कैपुला है, वो 2 to 7 नंबर के रिब्स के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर रहती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी रिब्स होती हैं। पहली रिब्स ये आगे की तरफ सबसे ऊपर वाली होती है, पहली रिब्स, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो ये दो नंबर से लेके सातवें नंबर की जो रिब्स होती है उनकी पोस्टीरियर सरफेस, पीछे की परत के ऊपर हमारी स्कैपुला प्रेजेंट रहती है। तो जो हमारी स्कैपुला होती है ये क्लेविकल के साथ जो हमारे गर्दन के नीचे आपको एक हड्डी फील होगी, एक जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, वो हड्डी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो स्कैपुला क्लेविकल के साथ मिलके, और आप थोड़ा सा गले की तरफ आएंगे, गले में आप जैसे नीचे जाएंगे, जहाँ से हम निकलते हैं उस एरिया से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको चेस्ट में एकदम सेंटर में एक हड्डी महसूस होती है, उसे हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो हमारा स्कैपुला क्लेविकल और मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम का एक पार्ट होता है मैनुब्रियम, के साथ मिलके ये हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाती है। पेक्टोरल गर्डल यानी कि हमारे सामने जो गर्दन के पास का हिस्सा है, जहाँ ब्रेस्ट है, चेस्ट है, ठीक है, हमारा शोल्डर, कंधे का जॉइंट है, ये सब मिलके एक पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। तो जो मेन बेस होता है, जो मेन सरफेस एरिया बनाता है, वो हमारी स्कैपुला क्लेविकल के साथ मिलके और स्टर्नम के मैनुब्रियम के साथ मिलके हमारा पेक्टोरल गर्डल बनाती है। पेक्टोरल गर्डल के साथ हमारा कनेक्ट रहता है अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब यानी कि हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों हाथ हमारे पेक्टोरल गर्डल से कनेक्ट रहते हैं, यानी कि पेक्टोरल गर्डल में क्या बना है, स्कैपुला क्लेविकल स्टर्नम से, और इससे ही हमारा कनेक्ट हुआ अपर लिम्ब यानी कि हमारे दोनों हाथ। जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का, अपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है अपर लिम्ब। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों हाथ, दोनों पैर होते हैं, और एक्सियल स्केलेटन हमारा जो फ्रंट में चेस्ट वाला जो एरिया है उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारे दोनों अपर लिम्ब आते हैं, वो कनेक्ट होते हैं पेक्टोरल गर्डल से, और ये जो है पेक्टोरल गर्डल वो मिलके बना है स्कैपुला क्लेविकल और स्टर्नम के मैनुब्रियम से। ठीक है, अब जो हमारा स्कैपुला है वो बहुत ही जरूरी हड्डी है, काफी महत्वपूर्ण होती है ये हड्डी हमारे शोल्डर और आर्म के लिए, यानी कि कंधे और आर्म जो है हमारे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी स्कैपुला ही है। अब बात यह है, हमारी स्कैपुला रहती अपर बैक में है, पर शोल्डर और आर्म में क्यों इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों ये इतनी जरूरी है? उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो स्कैपुला है वो बहुत सारी नंबर ऑफ मसल्स को अटैचमेंट देती है। ये एक ऐसा स्कैपुला, एक ऐसी हड्डी है, स्कैपुला रीजन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी मसल्स का ओरिजिन यानी कि उगती भी है, इंसर्शन यानी कि जुड़ती भी है। ठीक है, और वो मसल्स हमारे कंधे और आर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐसी मसल्स भी यहाँ से उगती है जो लोअर लिम्ब यानी कि दोनों पैरों तक भी जाती हैं, जैसे कि सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी मसल्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे कंधे के लिए, हमारे आर्म के लिए। और इन सब मसल्स का ओरिजिन, इंसर्शन, सब कुछ हमारा प्रोवाइड होता है एक सिंगल पॉइंट से, जो कि है हमारा स्कैपुला। अब जो हमारी स्कैपुला है वो आर्टिकुलेट भी होती है, ठीक है, यानी कि जॉइंट्स भी बनाती है। और ये जॉइंट्स बनाती है किसके साथ मिलके? सबसे पहले तो ये जुड़ती है ह्यूमरस और क्लेविकल के साथ, ठीक है। जब ये ह्यूमरस से जुड़ती है, ह्यूमरस की ग्लिनॉइड कैविटी, स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी से ये और ह्यूमरस का हेड मिलके बनाते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट। और क्लेविकल का लेटरल एंड और स्कैपुला की एक्टोमियन प्रोसेस, स्कैपुला के जो पार्ट्स हैं हम उनके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक पार्ट होता है, दो प्रोसेस होती हैं, एक्टोमियन प्रोसेस होती है और कोरकोइड प्रोसेस होती है, जिनके बारे में डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। तो जो हमारा क्लेविकल है, क्लेविकल सामने की हड्डी होती है हमारी, गर्दन के नीचे आपके हाथ में तुरंत एक हड्डी आती है लंबी सी, ठीक है, वो होती है क्लेविकल, ब्यूटी बोन कहते हैं जिसे हम। तो हमारा क्लेविकल और स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस मिलके बनाती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी बनाती है शोल्डर जॉइंट, यानी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। क्लेविकल और हमारा एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का मिलके बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये देखिए, ये हमारा क्लेविकल, ये हमारे स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस, ये मिलके बना रही है यहाँ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारे ह्यूमरस का हेड, ये हमारे स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी, ये मिलके बना रही है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, यानी कि कंधे का जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बना ह्यूमरस और क्लेविकल के साथ मिलके दो जॉइंट बनाए स्कैपुला ने, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब हम बात करेंगे हमारे स्कैपुला के पार्ट्स के बारे में कि हमारी स्कैपुला में कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी स्कैपुला की बॉर्डर से कि कितनी बॉर्डर्स होती हैं हमारी स्कैपुला में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्कैपुला जो है एक चपटी और त्रिकोण आकार की होती है, इसी कारण से इसमें 3 बॉर्डर होती हैं, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ये देखिए, ये हमारे स्कैपुला का एंटीरियर व्यू यानी कि सामने की तरफ से, ये हमारे स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू यानी कि पीछे की तरफ से। ठीक है, तो कितनी बॉर्डर थी हमारी? 3 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ये हमारी होती है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर बाहर की तरफ, ठीक है, यानी कि कंधे की तरफ जो बॉर्डर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं लेटरल बॉर्डर। फिर मीडियल बॉर्डर, ये पूरी हमारी मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर होती है हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ। दोनों तरफ के अपर बैक में 2 स्कैपुला प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों स्कैपुला के बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो दोनों तरफ की स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है और दोनों तरफ की स्कैपुला की लेटरल बॉर्डर जो होती है वो कंधे की तरफ होती है। तो हमारी ये लेटरल बॉर्डर बाहर कंधे की तरफ की बॉर्डर होती है लेटरल बॉर्डर, रीढ़ की हड्डी की तरफ की बॉर्डर होती है मीडियल बॉर्डर। अब आती है हमारी सुपीरियर बॉर्डर जो कि ऊपर की तरफ होती है। ये जो बॉर्डर होती है हमारी, ये पूरी, ठीक है, ये पूरी बॉर्डर होती है हमारी सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर में एक छोटी सी स्कैपुलर नॉच होती है। जो हमारी ये सुपीरियर नॉच होती है, यहाँ से हमारी एक सुप्रास्कैपुलर कैनाल जो होती है वो निकलती है और सुप्रास्कैपुलर वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो भी इसी नॉच से बाहर निकलती हैं। इसी कारण से इसको स्कैपुलर नॉच कहते हैं। यहाँ से हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज, वेन, कैनाल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ होती है जिसपे एक स्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होता है। मीडियल बॉर्डर रीढ़ की हड्डी की तरफ, लेटरल बॉर्डर बाहर कंधे की तरफ। अब आते हैं हमारे एंगल्स। जैसे कि मैंने बोला कि स्कैपुला त्रिकोणीय हड्डी है तो इसके एंगल भी 3 होंगे, ठीक है। लेटरल एंगल, सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल। ये देखिए, सबसे पहला आता है हमारा इंफीरियर एंगल। ये नीचे की तरफ रहता है जहां हमारी स्कैपुला की लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर आपस में मिलती है। जो पीछे की तरफ की टिप है हमारी, नीचे की तरफ की स्कैपुला की जो टिप होती है उसको कहते हैं इंफीरियर एंगल, ठीक है, जहां हमारी स्कैपुला की लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर आपस में मिले वो होती है हमारी इंफीरियर एंगल। फिर इसके बाद आता है हमारा सुपीरियर एंगल। ये होता है हमारा सुपीरियर एंगल। ये देखिए दोनों तरफ, जहां पे हमारी मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर आपस में मिलती है वो होती है हमारी सुपीरियर बॉर्डर। तो 2 एंगल हो गए, इंफीरियर एंगल और सुपीरियर एंगल। अब आता है हमारा तीसरा लैटरल एंगल। लैटरल एंगल जो होता है वो हमारी स्कैपुलर नॉच और ग्लिनॉइड कैविटी के बीच का एंगल होता है। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये होता है हमारा लैटरल एंगल। स्कैपुलर नॉच से लेके ग्लिनॉइड कैविटी के बेस तक जो एक एंगल बनता है उसको हम कहते हैं लैटरल एंगल। इंफीरियर एंगल हमारी लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर से मिलके बनता है। सुपीरियर एंगल हमारी मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर से मिलके बनता है। और लैटरल एंगल हमारी स्कैपुलर नॉच और ग्लिनॉइड कैविटी के बीच रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीन एंगल होते हैं। अब आती है हमारी सरफेस। दो सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस आगे की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ। ठीक है, एंटीरियर सरफेस में सब स्कैपुलर फोसा प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर सरफेस में एक स्पाइन क्रेस्ट होती है, एक लंबी सी स्पाइन क्रेस्ट होती है, जिस कारण से यहाँ सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा होता है। ठीक है, ये देखिए एंटीरियर सरफेस, ये पूरी हमारी एंटीरियर सरफेस जिसके अंदर हमारा सब स्कैपुलरिस फोसा। ठीक है, ये जो फोसा है हमारा, ये है सब स्कैपुलरिस फोसा। ये पूरी हमारी एंटीरियर सरफेस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में ये देखिए, ये होती है हमारी स्पाइन। स्पाइन क्रेस्ट बोलते हैं इसे। एक ऐसी कॉनकेव कॉन्वेक्स एक उठी हुई हिस्सा होती है जिसे स्पाइन क्रेस्ट कहते हैं। स्पाइन क्रेस्ट के कारण ही जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो दो हिस्सों में बट जाती है। इसमें सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें हमारी ग्लेनॉइड कैविटी भी होती है और इंफ्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है और सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट आता है इसका पार्ट प्रोसेसेस। ठीक है, तीन बॉर्डर, तीन एंगल्स, दो सरफेसेस, जिसमें एंटीरियर सरफेस में एक फोसा, पोस्टीरियर सरफेस में दो फोसास होते हैं। अब आती है प्रोसेसेस। दो प्रोसेस होती हैं, कोरोकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखिए, सबसे पहले हमारी ये एक्रोमियन प्रोसेस, हमने स्टार्टिंग में देखा था क्लैविकल और एक्रोमियन प्रोसेस मिलके बनाती है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। दूसरी ये होती है कोरिकॉइड प्रोसेस। यहाँ से देखिए, ये रही हमारी एक कोरिकॉइड प्रोसेस। ठीक है, और दूसरी एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो दो प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस जिसने बनाया मिलके एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट और हमारा कोरोकॉइड प्रोसेस। अब हम बात करेंगे हमारे स्कैपुला की मसल्स के बारे में कि किस तरीके की मसल्स यहाँ प्रेजेंट है। लार्ज सरफेस एरिया हमारे स्कैपुला बहुत बड़ा एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है सिर्फ मसल्स के अटैचमेंट के लिए। हमने जो इतने सारे अभी इसके पार्ट्स देखे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मसल्स निकलती हैं, बहुत सारी मसल्स निकलती हैं, बहुत सारी मसल्स इसमें जुड़ती हैं। तो एक बहुत लार्ज सरफेस जो है हमारी स्कैपुला प्रोवाइड करवाती है सिर्फ मसल्स अटैचमेंट के लिए, ठीक है। जिस कारण से ही हमारी स्कैपुला जो है वो फिक्स है थोरेसिक वॉल में। थोरेसिक वॉल यानी कि हमारा जो थोरैक्स है, जहाँ पे हमारे लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब हमारा थोरैक्स वॉल है। तो हमारी स्कैपुला उस थोरैक्स वॉल में फिक्स है बिना किसी स्ट्रॉन्ग जॉइंट के, और इसका रीजन है कि वो बहुत सारी मसल्स को अटैचमेंट देती है। बहुत सारी लार्ज मसल्स जो है वहाँ उगती हैं और वहाँ इंसर्ट होती हैं। साथ ही साथ ये मसल जो है मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और इन मसल्स के कारण ही हमारी स्कैपुला इतने ज़्यादा डिग्री में मूवमेंट कर पाती है। हम अभी आगे बात करेंगे कि स्कैपुला का मूवमेंट किस तरीके से होता है, किस प्लेन में होता है, इनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्कैपुला एक बहुत बड़ा एरिया देती है अटैचमेंट के लिए, और साथ ही साथ मूवमेंट भी अलाउ होते हैं उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ी मसल्स अटैच है, काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड है मसल्स के लिए। अब हम सबसे पहले वो मसल्स देखेंगे जो हमारे स्कैपुला से निकलती हैं, जिनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो हमारा स्कैपुला ही है। तो सबसे पहली मसल्स है हमारी डेल्टॉइड मसल, ठीक है। हमारे शोल्डर के पास प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड मसल। इसके बाद है हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स हमारी रोटेटर कफ मसल का हिस्सा है। रोटेटर कफ मसल जो होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच है हमारी स्कैपुला से, और हमारा शोल्डर जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है, जिस तरीके से वो स्टेबल है, साथ ही साथ उसमें बहुत लार्ज डिग्री के मूवमेंट भी हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। शोल्डर जॉइंट जो है एकमात्र ऐसा जॉइंट है हमारे शरीर में जिसकी स्टेबिलिटी कम है बट फंक्शनल बहुत ज़्यादा है, डायनेमिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग है। तो उन सब फंक्शन का रीज़न है रोटेटर कफ मसल। 4 मसल्स होती हैं रोटेटर कफ में, चारों का ओरिजिन जो है हमारी स्कैपुला से ही है। 2 मसल होती हैं, पहले तो सुप्रास्पाइनेटस मसल और इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। तो जो मसल्स ओरिजिन होता है हमारे स्कैपुला से वो मसल्स हैं डेल्टॉइड मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का भी लॉन्ग हेड, 2 हेड होते हैं इसमें, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड। तो जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का लॉन्ग हेड है उसका ओरिजिन हमारी स्कैपुला से है। सोचिए हमारी आर्म की मसल है, यानी कि अपर आर्म जो है हमारा, उसकी मसल है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, बट उसका ओरिजिन है स्कैपुला। तो इसी कारण से स्कैपुला जो है हमारे आर्म और शोल्डर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये रही हमारी मसल्स, ये देखिए ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड, ठीक है। ये हमारी डेल्टॉइड मसल, ये देखिए ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। फिर इसके बाद जो रीजन होता है इधर से टीरिस माइनर मसल, टीरिस मेजर मसल। टीरिस माइनर मसल जो है ये भी रोटेटर कफ मसल है, ये रही हमारी टीरिस माइनर मसल, ये है टीरिस मेजर मसल, ठीक है। टीरिस माइनर, टीरिस मेजर। फिर आता है लैटिसिमस डॉर्साई मसल, ये होती है हमारी लैटिसिमस डॉर्साई मसल। कोरोकोब्रेकियालिस मसल, बाइसेप्स ब्रेकियाई हमारे बाइसेप्स की मसल, और सब स्कैपुलरीज, ठीक है। तो जो रोटेटर कफ की मसल होती हैं वो होती है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सब स्कैपुलरीज। ये चार मसल होती है हमारे रोटेटर कफ की। और ये जो मसल्स अभी हमने देखी ये वो मसल्स हैं जिनका ओरिजिन है हमारे स्कैपुला से, ठीक है। अब हम उन मसल्स की बात करेंगे जिनका इंसर्शन है स्कैपुला से, यानी कि जो जुड़ रही हैं, ओरिजिन कहीं और है उनका पर जिनका वापस आके जो अटैचमेंट हो रहा है वो हमारी स्कैपुला से हो रहा है। तो इनमें आती है हमारी ट्रेपेजियस, ये देखिए ये जो मसल यहाँ है ये एक सिर्फ सरफेस एरिया लैंडमार्क किया गया है, बल्क में होती है ये मसल, बल्की होती है। ये सिर्फ एक डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ जिसमें ये एरिया जो है स्कैपुला का ये इंसर्शन करवाती है मसल्स का, ये शो हो रहा है बस। अदरवाइज यहाँ की मसल्स काफी बल्क में होती हैं। ये होती है हमारी ट्रेपेजियस, लेवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइडस माइनर और रोम्बॉइडस मेजर, सेरेटस एंटीरियर मसल, ये रही, ठीक है। पेक्टोलिस मेजर माइनर मसल, ये रही हमारे सामने चेस्ट की तरफ होती है ये पेक्टोलिस मेजर और माइनर मसल, ठीक है। ये हमारी लैटिसिमस डॉर्साई, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से निकलती है। ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस जो जिनका ओरिजिन है, लेकिन ये वो मसल्स के नाम है ट्रेपेजियस मसल, लेवेटर स्कैपुली मसल, रोम्बॉइडस मसल और रोम्बॉइडस मेजर माइनर, सेरेटस एंटीरियर मसल, पेक्टोरिस माइनर मसल, ये वो मसल है जो इधर आके जुड़ती हैं, ठीक है, जो एंड हो रही हैं यहाँ पे, ये वो मसल्स होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके जो मूवमेंट होते हैं स्कैपुला के, ये कैसे होते हैं, किन प्लेन्स में होते हैं? जो हमारा टिपिकल मूवमेंट है स्कैपुला का, ठीक है, वो होता है 3 प्लेन्स में। बेसिकली देखा जाए तो हमारे बॉडी में 3 प्लेन डिवाइड है, ठीक है, 3 प्लेन होते हैं। जिसमें हमारी बॉडी का हर एक मूवमेंट होता है। इन तीनों प्लेन्स में ही हमारे सारे एक्शन होते हैं। हमारे जितने भी हाथ पैर चलते हैं, चलाते हैं हम सब, वो इन तीनों प्लेन्स के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं, इन तीनों प्लेन के रिस्पेक्ट में ही होते हैं। तो ऐसे ही स्कैपुला के मूवमेंट भी इन तीनों प्लेन के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो 3 प्लेन होते हैं हमारे, सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो ये है हमारे 3 प्लेन, सजाइटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स। सजाइटल प्लेन, सबसे पहले हम देखते हैं सजाइटल प्लेन को। सजाइटल प्लेन ऐसा होता है, यानी कि किसी भी पार्ट को अगर हम लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में इक्वली बांट दें, ठीक है, तो वो जो बीच में हम लाइन खींचेंगे वो एक सजाइटल प्लेन होगा। हम अपनी बॉडी के ऊपर बात करें तो बॉडी को अगर हम सेंटर में से कट कर दें और उसको हम बोले ये हिस्सा राइट है और ये हिस्सा लेफ्ट है, तो जो हमने सेंटर में से कट किया है उस लाइन को, उस प्लेन को हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में बॉडी के जितने भी मूवमेंट सजाइटल प्लेन के बराबरी में होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वली जो होंगे, ठीक है। यानी कि हम हाथ सीधा ऊपर की तरफ जब उठाते हैं, वापस लेके आते हैं, तो वो सजाइटल प्लेन के इक्वल में होता है। जैसे कि शोल्डर का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाथ ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, एल्बो मोड़ना, वापस सीधा करना, तो ये जितने भी मूवमेंट हैं ये सब सजाइटल प्लेन में होते हैं। तो जो भी मूवमेंट इसके पैरेलल होगा किसी प्लेन के, वो उसका मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है, कि ये सजाइटल प्लेन के मूवमेंट है। तो सजाइटल प्लेन हमारी बॉडी को 2 हिस्सों में, राइट और लेफ्ट में, इक्वली बांटता है। फिर अगला आता है हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 भागों में बांटता है। एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। तो जब हम हमारी बॉडी को सेंटर में से आगे पीछे बांटना चाहेंगे तब हम कोरोनल प्लेन से कट करेंगे। जब हम कोरोनल प्लेन से किसी चीज को काटते हैं तो वो चीज एंटीरियर यानी कि आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बट जाती है। अब आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को अपर और लोअर बॉडी में बांटता है। जब भी हमें किसी चीज को ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से में बांटना है, ठीक है, तो हम उसमें ट्रांसवर्स प्लेन से कट करते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन ने हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट 2 इक्वल पार्टों में बांटा। कोरोनल प्लेन ने हमारी बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो इक्वल हिस्सों में बांटा। ट्रांसवर्स प्लेन ने हमारी बॉडी को अपर और लोअर बॉडी के दो इक्वल हिस्सों में बांटा। इन्हीं तीनों प्लेन्स में हमारी स्कैपुला के सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। जिन मूवमेंट्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे वो सारे मूवमेंट्स इन तीनों प्लेन्स की रिस्पेक्ट में ही होते हैं। अब हमारे जो स्कैपुला के प्राइमरी मूवमेंट हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी मूवमेंट होते हैं उसमें दो ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है। दो ट्रांसलेशन में से सबसे पहला आता है हमारा सुपीरियर इंफीरियर ट्रांसलेशन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ठीक है। दो ट्रांसलेशन हुए, सुपीरियर इंफीरियर ट्रांसलेशन और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन ट्रांसलेशन। ये देखिए, प्रोट्रैक्शन यानी कि जब हम कंधे को आगे की तरफ रोल करते हैं तो हमारी स्कैपुला भी आगे की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्शन। जब हम अपने कंधे को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी स्कैपुला भी पीछे की तरफ आती है, उसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दो ट्रांसलेशन मूवमेंट हुए। फिर दूसरा होता है हमारा सुपीरियर इंफीरियर, जिसे हम एलिवेशन और डिप्रेशन कहते हैं। जब हमारे कंधे हम ऊपर की तरफ उचकाते हैं तो हमारी स्कैपुला भी ऊपर की तरफ आती है, यानी कि एलिवेशन में। जब हम कंधे नीचे की तरफ वापस लाते हैं तो हमारी स्कैपुला भी नीचे की तरफ आती है, यानी कि डिप्रेशन में। तो स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन आगे की तरफ और रिट्रैक्शन, ये पहला ट्रांसलेशन, कंधे ऊपर उचकाना वापस नीचे लेके आना, ये दूसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो दो ट्रांसलेशन हमारे स्कैपुला में हुए, रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन और सुपीरियर इंफीरियर यानी कि एलिवेशन और डिप्रेशन। अब इसके साथ इसमें तीन रोटेशन होते हैं। अब वो कौन कौन से रोटेशन है? अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन, एंटीरियर और पोस्टीरियर रोटेशन, ठीक है। तीन रोटेशन हुए, अपवर्ड डाउनवर्ड, इंटरनल एक्सटर्नल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये देखिए, ये सबसे पहला हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल। जब हमारी स्कैपुला अंदर की तरफ घूमेगी तो इंटरनल रोटेशन, बहुत माइनर रोटेशन होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, बहुत छोटी सी रेंज में होता है। तो इंटरनल रोटेशन, जब हमारी स्कैपुला बाहर की तरफ रोल करेगी तो एक्सटर्नल रोटेशन। अपवर्ड और डाउनवर्ड में हमारा मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन, और फिर एंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट। ठीक है, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। तो इस तरीके के हमारी स्कैपुला में 3 रोटेशन और 2 ट्रांसलेशन होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे स्कैपुला के मूवमेंट के बारे में कि किस तरीके के मूवमेंट हमारी स्कैपुला में देखने को मिलते हैं, क्या एक्शन रहता है उनका, और कौन सी पहली प्राइमरी मसल्स हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहला है एलिवेशन, यानी कि कंधे उचकाना। ये देखिए एलिवेशन, जब हम अपने कंधे ऊपर की तरफ उचकाते हैं तो वो एक्शन होता है एलिवेशन। एलिवेशन में हमारा शोल्डर, कंधा ऊपर की तरफ, कान की तरफ वो उचकता है। ठीक है, कंधे उचकाना हम जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कंधे उचकाना, इसमें हमारा कंधा ऊपर की तरफ उचकता है। तो इसमें जो हमारी प्राइमरी मसल का इस्तेमाल होता है वो होती है अपर ट्रेपेजियस और लेवेटर स्कैपुला, जिसके बारे में हमने मसल्स के बारे में भी आगे ही बात किया था। तो एलिवेशन के वक्त पे हमारी अपर ट्रेपेजियस और लेवेटर स्कैपुली मसल जो है वो करवाती है एलिवेशन। फिर दूसरा होता है डिप्रेशन। एलिवेशन के बाद जब हम कंधे अपने वापस नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है, एलिवेशन में हमने उचकाया, फिर कंधे अपन वापस नीचे की तरफ लाए, इसमें हमारा जो कंधा है नीचे की तरफ ग्लाइड करता है, तो वो होता है हमारा डिप्रेशन। ये देखिए, इस तरीके से जब कंधा नीचे की तरफ जाता है तो ये होता है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है इसकी जो प्राइमरी मसल है वो होती है लोअर ट्रेपेजियस। लोअर ट्रेपेजियस हमारे स्कैपुला में डिप्रेशन करवाती है। अब आता है हमारा रिट्रैक्शन, जिसे हम एडक्शन भी कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जब दोनों स्कैपुला पास में आती हैं, ठीक है, जब हम हमारे शोल्डर को पीछे लेके जाते हैं तो दोनों स्कैपुला पास में आ जाती हैं, इसे हम कहते हैं रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन होता है कि दोनों जो शोल्डर ब्लेड है हमारे वो दोनों एक दूसरे के पास आपस में आ जाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी के पास आ जाए, तो वो रिट्रैक्शन होता है। रिट्रैक्शन हमारी रम्बॉइडस मसल और मिडिल ट्रेपेजियस मसल करवाती है। रिट्रैक्शन के बाद आता है हमारा प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन जो होता है इसमें हमारे शोल्डर राउंड करके जब हम आगे की तरफ कर लेते हैं, आगे की तरफ खुद को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, तो उसमें होता है हमारा प्रोट्रैक्शन। और प्रोट्रैक्शन में जो एक्शन होता है वो इस तरीके का होता है, ये देखिए ये दोनों दूर चले जाते हैं, ये होता है हमारा प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन की जो हमारी प्राइमरी मसल्स होती हैं वो होती है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर हमारे स्कैपुला के प्रोट्रैक्शन में हमारी मदद करती है। फिर आता है हमारा अपवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन जब हम हमारे हाथ को लिफ्ट करके ऊपर सर की तरफ ले जाते हैं, ओवरहेड लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा स्कैपुला का रोटेशन होता है अपवर्ड रोटेशन। जब हम अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ओवरहेड लेके जाते हैं सर के पास, तब होता है हमारा अपवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन इस तरीके से होता है, ये देखिए ये रहा, दोनों हाथों को उठा के हम हमारे सर के पास जब लेके आते हैं तब होता है अपवर्ड रोटेशन। जो मसल्स हमारे अपवर्ड रोटेशन में हमारी मदद करती हैं वो होती हैं अपर और मिडिल ट्रेपेजियस। अपर और मिडिल मसल्स हमारे अपवर्ड रोटेशन में हमारी मदद करती हैं। अब आता है हमारा डाउनवर्ड रोटेशन। डाउनवर्ड रोटेशन में हमारे दोनों कंधे वापस जब हम नीचे लाते हैं ओवरहेड करवा के, ठीक है, सर के पास ऊपर लेके गए थे, ओवरहेड से हम जब उसको वापस लेके आते हैं तब हमारा डाउनवर्ड रोटेशन होता है। डाउनवर्ड रोटेशन हमारी रॉम्बॉइडस मसल करवाती है। तो ये 6 एक्शन होते हैं हमारी स्कैपुला में: एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन जिसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं, अबडक्शन जिसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं, अपवर्ड रोटेशन और डाउनवर्ड रोटेशन। ये 6 तरीके के मूवमेंट हमारी स्कैपुला में होते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैपुलर डाइसकाइनेसिस के बारे में। स्कैपुलर डाइसकाइनेसिस क्या है? स्कैपुला का अगर रोटेशन होता है तो ही हमारे कंधे के जॉइंट में सही तरीके से फंक्शन हो पाता है। तो स्कैपुलर डाइसकाइनेसिस में हमारे स्कैपुला के मूवमेंट में, हमारे स्कैपुला के जो मूवमेंट अभी हमने देखे वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। तो हमारी स्कैपुला जो है एक बहुत स्टेबल बेस, प्रोवाइड करती है रोटेटर कफ के एक्शन को और फंक्शनिंग को। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको स्टार्टिंग में कि रोटेटर कफ मसल बहुत ज़रूरी है हमारे कंधे के जॉइंट्स के लिए। जो हमारे कंधा है उसके स्टेबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए और एक बहुत बड़ा फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारी स्कैपुला बहुत ज़रूरी है और उसमें रोटेटर कफ बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे रोटेटर कफ का उसको एक्टिवेट करना और उसकी फंक्शन, उसके लिए एक बहुत स्टेबल सा एक बेस वो स्कैपुला देती है। हमारी रोटेटर कफ मसल सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस माइनर और सबस्कैपुलरीज जो होती हैं एक फुल रेंज का मोशन प्रोवाइड करवाती हैं हमारे शोल्डर को। हमारे शोल्डर में मोबिलिटी भी देती हैं। रोटेशन जितने भी हो पाते हैं शोल्डर में वो सब इन मसल्स के कारण हो पाते हैं और इन मसल्स का ओरिजिन जो है हमारी स्कैपुला है। अगर छोटा सा भी बोन में और सॉफ्ट टिश्यू में कोई इंजरी हो जाए शोल्डर के आसपास, तो वो छोटी सी इंजरी भी हमारे स्कैपुला के मोशन को फर्क डालती है, भले चाहे वो मोशन कर रही हो, भले चाहे वो रेस्ट पे हो। यानी कि स्कैपुला या तो फंक्शनिंग की कंडीशन में हो या रेस्ट की कंडीशन में हो, अगर बहुत छोटी सी भी इंजरी हो जाए हमारे बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज के आसपास, तो हमारा स्कैपुला का जो एक्शन है, जो मूवमेंट है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और ऐसी ही कंडीशन को स्कैपुला के मूवमेंट में, चाहे भले वो रेस्ट पे हो चाहे एक्शन पे हो, उसमें परिवर्तन आ जाना, उसे हम कहते हैं स्कैपुलर डायस्काइनेसिस। स्कैपुलर डायस्काइनेसिस, जिसे हम सिक स्कैपुला सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इस सिक स्कैपुला सिंड्रोम का क्या फुल फॉर्म होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम स्कैपुलर डायस्काइनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो स्कैपुलर डायस्काइनेसिस में अगर थोड़ा सा भी बदलाव या थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए हमारी नॉर्मल रेस्टिंग स्कैपुला में, या फिर उसकी एक्टिवेट जो पोजीशन होती है स्कैपुला की, उसमें शोल्डर मूवमेंट के टाइम पे जो हम शोल्डर के मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि कंधे से हम कंधा ऊपर लेके जा रहे हैं, कॉम करने में, वॉल पे हाथ रखने में, पॉकेट में पर्स रखने में, या खाना बनाने में, या किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में हम हमारे कंधे का इस्तेमाल करते हैं। तो उस इस्तेमाल में अगर हमारी स्कैपुला रेस्ट के टाइम पे और एक्शन के टाइम पे उसमें ज़रा सा भी बदलाव हो रहा है, ज़रा सा भी वो एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रही है या मूवमेंट ना कर रही है, तो इस बदलाव को, स्कैपुला के बदलाव को हम कहते हैं स्कैपुलर डायस्काइनेसिस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें स्कैपुला जो एबनॉर्मली तरीके से जाती है और उसका रीज़न होता है कि बार बार कंधे का इस्तेमाल करना, जिनमें रिपीटेटिव यूज़ होते हैं कंधे का। जैसे कोई एथलीट्स हो गया, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनमें कॉमनली स्कैपुलर डायस्काइनेसिस देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके कंधे का। कारपेंटर हो गया, ठीक है, प्लम्बर्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने जॉइंट्स का, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ये कंडीशन। तो ये छोटे से भी चेंज जो होते हैं ये स्कैपुला के फंक्शन में अफेक्ट डालते हैं। कभी कभार ये जो चेंज होते हैं वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके के लक्षण हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, पर इन कारणों से ये जो छोटे से चेंज भी अगर आ रहा है इसमें, बार बार जो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अगर छोटा सा भी परिवर्तन आ रहा है पर उसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है कि हो सकता है उसके कारण आपके कंधे में इंजरी हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा शोल्डर अलग अलग तरीकों से इसका स्कैपुला जो होता है हमारा चेंज होता रहता है रिपीटेटिव यूज के कारण। ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं, मिडल बॉर्डर का प्रोमिनेंस, इंफीरियर बॉर्डर का प्रोमिनेंस, सुपीरियर बॉर्डर का प्रोमिनेंस। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में भी देखेंगे कि जो प्रोमिनेंस हो रहे हैं इनका आगे क्या कैसा क्या कल क्लासिफिकेशन होता है, इसका एक पूरा हम ओवरव्यू लेंगे अभी आगे। तो स्कैपुला का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से बांटा गया है, ठीक है। हमारा स्कैपुला 3 तरीके से बटा हुआ है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसी कारण से स्कैपुला डाइस्काइनेस भी हमारा 3 तरीके से बटा हुआ है। चूंकि ये तीनों ही क्लासिफिकेशन एक दूसरे से ओवरलैप भी होते हैं, ठीक है, बहुत सिमिलरिटी होती है इन तीनों क्लासिफिकेशंस में आपस में, काफी सिमिलरिटीज इसमें मिलती हैं तीनों क्लासिफिकेशंस में। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है टाइप 1 क्लासिफिकेशन जो है हमारे स्कैपुला का, स्कैपुला डिस्काइनेसिस का पहला है इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर। इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर प्रोमिनेंस, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जब स्पोर्ट पर्सन में थ्रोइंग की स्टेज आती है, थ्रोइंग यानी कि बॉल को जब हम फेंकते हैं पूरे फोर्स के साथ, बॉलर्स हो गए, ठीक है, और बेसबॉल प्लेयर्स हो गए, तो जो ये एकदम पूरा फुल फोर्स के साथ जब बॉल को फेंकता है कोई बॉलर, तो उसको अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, उनमें से एक जो पीक फेज होता है, जो एक सेंटर फेज होता है, वो होता है कॉकिंग। तो ऐसे स्पोर्ट्स या फिर ऐसे एथलीट्स जो बार बार ओवरहेड मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जिनका काम थ्रोइंग का है, उसमें जब कॉकिंग स्टेज आती है, ये हमारी कॉकिंग स्टेज होती है कि शोल्डर पूरा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रोटेशन, एक्स्ट्रा अबडक्शन, ठीक है, पूरा पीछे की तरफ एक्स्ट्रा मूवमेंट रिपीटेशन में हो, बार बार हो, तो ऐसे एथलीट्स में देखने को मिलता है इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर का प्रोमिनेंस। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे एथलीट्स या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जिनमें एंटीरियर साइड ऑफ द स्कैपुला यानी कि आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ, हमारे ब्रेस्ट और नेक के बीच में एंटीरियर साइड होता है स्कैपुला का, अगर उस एंटीरियर साइड में बहुत ज्यादा टाइटनेस है, वहां पे हमारी पेक्टोरिस मेजर और माइनर मसल रहती है, हमने इन मसल्स के बारे में अभी स्टार्टिंग में ही देखा। तो ये अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो भी हमारे एथलीट्स में या पेशेंट में इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर प्रोमिनेंस होता है। और साथ ही साथ अगर लोअर ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर मसल इनमें कमजोरी है, यानी कि उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत वीक है वो मसल, तो भी इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर प्रोमिनेंस देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं थ्रोइंग वाले, उनमें कॉकिंग का रिपीटेशन, कॉकिंग स्टेज का बार बार रिपीटेशन होता है, तो कॉमनली ये इन्फीरोमीडियल स्कैपुला बॉर्डर का जो पहला टाइप है ये कॉमनली एथलीट्स में देखने को मिलता है जो बहुत थ्रो करते हैं। और नॉर्मल पर्सन में ये देखने को तब मिल सकता है जब उनका पेक्टोरिस मेजर और माइनर मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हों और लोअर ट्रेपेजियस और सेरेटस एंटीरियर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हों। अब टाइप 1 में हमारे स्कैपुला में पोस्टीरियर टिपिंग देखने को मिलती है, ये वाला पोस्टीरियर टिपिंग। पोस्टीरियर टिपिंग के कारण ही जो हमारा सब एक्रोमिन स्पेस होता है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जब ओवरहेड मोशन होता है इस तरीके से, जब कॉकिंग स्पेस में देखिए इस तरीके से जब ओवरहेड मोशन होता है तब अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन वाले मूवमेंट में दर्द होता है, और यही दर्द एथलीट हमारे पास कंप्लेन करके आएगा या जो पर्सन रहेगा जिसे स्कैपुलर डिस्काइनेसिस का टाइप 1 क्लासिफिकेशन का डिस्फंक्शन होगा, वो ये कंप्लेन करता है कि जब मैं अपने हाथ का पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, यानी कि अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन की पोजीशन में लेके जाता हूँ, तो उसे दर्द शुरू होता है। तो ये एक अर्ली स्टेज होती है किसी भी शोल्डर डिसऑर्डर की शुरुआत की, कि स्टार्टिंग में जब पोस्टीरियर टिपिंग हो गई तो पेशेंट का सब एक्रोमियल स्पेस जो होता है वो कम हो गया, तो जब उसने ओवरहेड मोशन किया तो उसको दर्द हुआ अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 क्लासिफिकेशन। इस तरीके से यहाँ पे स्कैपुला का इंफीरियर और मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंस दिखाई देता है, या इंफीरियर एंगल होता है, ये हमारी मीडियल बॉर्डर होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोमिनेंस हो जाता है ये एरिया। अब दूसरा आता है हमारा टाइप 2, जिसमें हमारी मिडल बॉर्डर का प्रोमिनेंस होता है। टाइप 2 में बेसिकली एक विंगिंग स्कैपुला जिसे हम कहते हैं वो होता है हमारा टाइप 2। इसमें हमारी जो पूरी मिडल बॉर्डर है, ठीक है, वो विंग के आकार हो जाती है, यानी कि पंख के तरह की हो जाती है, तब जब हमारा स्कैपुला रेस्ट पे हो, मोशन के टाइम पे नहीं, जब वो एक्शन कर रहा है तब नहीं, जब वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, उस टाइम पे हमारी पूरी मिडल बॉर्डर एक पंख के आकार की दिखाई देती है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी मिडल बॉर्डर पंख के आकार की हो जाती है, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेटरल बाहर की तरफ, कंधे की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूरी स्कैपुला की मिडल बॉर्डर रेस्ट के टाइम पे विंगिंग आकार बना लेती है, और ये और ज्यादा गहरी और प्रोमिनेंट दिखाई देती है जब कॉकिंग पोजीशन आती है। कॉकिंग पोजीशन हमने अभी देखा क्या होती है, तो जब कॉकिंग की पोजीशन बनती है तब ये और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है। या फिर अगर हम ऐसे पेशेंट्स को बोले कि आप कंधे उचकाइए, तो जब ऐसे पेशेंट कंधे उचकाते हैं तब भी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अग्रेसिवली दिखने लगती है। और इसका कारण, मिडल बॉर्डर प्रोमिनेंस होने का कारण, विंगिंग स्कैपुला होने का कारण मेन होता है कि इस स्कैपुला को जो होल्ड करने वाली मेन मसल है, उसको ग्रिप बना के रखने वाली जो मेन मसल है वो है ट्रेपेजियस और रोम्बॉइडस। ट्रेपेजियस और रोम्बॉइडस दो मेन मसल हैं जो हमारे स्कैपुला को स्टेबलाइज करती हैं, एक उसकी पोजीशन में उसको बना के रखती हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा थकी हुई हो तो ऐसे पेशेंट्स में विंगिंग स्कैपुला या मिडल बॉर्डर प्रोमिनेंस देखने को मिलता है। जब कॉकिंग पोजीशन होती है, जब कोई एथलीट बार बार कॉकिंग पोजीशन में, बॉलर जो होते हैं बार बार बॉल फेंकते हैं, उनको प्रैक्टिस के टाइम पे भी और स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे भी सेम रिपीटेशन करना रहता है, तो कभी कभार ओवर यूज हो जाता है और मसल्स में उतना स्ट्रेंथ ना होने के कारण, उतना प्रोटीन ना मिल पाने के कारण वो मसल क्या होती है, थक जाती है। जब मसल्स थक जाती है तो वो कम वर्क करने लगती है। वो जब कम वर्क करने लगेगी तो क्या करेगी, वो जिस भी हड्डी को पकड़ के रखने का काम करती है उसे ढीला छोड़ देगी। इस कारण से, यही कारण हमारी ट्रेपेजियस और रोम्बॉइडस के साथ होता है, वो ढीला छूट जाता है हड्डी को, और विंगिंग स्कैपुला और मिडल बॉर्डर प्रोमिनेंस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये होता है हमारा टाइप 2 क्लासिफिकेशन, जिसमें विंगिंग स्कैपुला होता है। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 में होता है मिडल बॉर्डर का प्रोमिनेंस। इस तरीके के स्कैपुला में, जैसे कि दिखाया जा रहा है इधर, जो सुपीरियर बॉर्डर और मिडल बॉर्डर, हमने अभी आगे स्टार्टिंग में बॉर्डर देखी थी, तो ऊपर वाली बॉर्डर, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर, ये प्रोमिनेंस हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं सुप्रोमिडल बॉर्डर स्कैपुला। जब ये प्रोमिनेंस हो जाती है तो इस कारण से शोल्डर में इम्पिंजमेंट और रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रोटेटर कफ मसल्स की इंजरी होने के चांसेस और शोल्डर में इम्पिंजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी सुपीरियर और मीडल बॉर्डर प्रोमिनेंस हो, यानी कि अगर टाइप 3 क्लासिफिकेशन हुआ हो तो। अब आता है हमारा सिक स्कैपुला। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि हम हमारे स्कैपुलर डाइसकाइनेसिस को सिक स्कैपुला भी कहते हैं। सिक स्कैपुला मतलब स्कैपुला का माल पोजीशन, एस से माल पोजीशन आया, स्कैपुला का माल पोजीशन यानी कि वो अपनी पोजीशन से हटके किसी और पोजीशन में बन जाए। इंफीरियर मीडल बॉर्डर का प्रोमिनेंस, ठीक है, यानी कि टाइप 1 डिफॉर्मिटी हो जाए। कोरोकॉइड पेन और माल पोजीशन। कोरोकॉइड पेन हमेशा शोल्डर में, कंधे में आगे की तरफ हो, ठीक है, जहां हमारी कोरोकॉइड प्रोसेस थी। तो एस से स्कैपुला का माल पोजीशन, वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए, उसमें टाइप 1 क्लासिफिकेशन का डाइसकाइनेसिस बन जाए, कोरोकॉइड पेन हो और अपनी जगह से वो चेंज हो जाए। के से होता है काइनेसिस अबनॉर्मलिटीज ऑफ द स्कैपुला, यानी कि उसके जो फंक्शन है स्कैपुला के वो नॉर्मल ना रहे, अब वो एबनॉर्मल तरीके से होने लग जाए, तो वो होगा हमारे काइनेसिस एबनॉर्मलिटी हमारे स्कैपुला की। तो ये होता है हमारी सिक स्कैपुला का फुल फॉर्म, ठीक है, स्कैपुला माल पोजीशन, इंफीरियर मीडल बॉर्डर प्रोमिनेंस, जो कि स्कैपुलर डाइसकाइनेसिस का टाइप 1 क्लासिफिकेशन है, कोरोकॉइड पेन, साथ में उसकी माल पोजीशन और काइनेसिस एबनॉर्मलिटीज हो जाए स्कैपुला की। ये सिक स्कैपुला का एक फुल फॉर्म होता है। अब ये जो सिक स्कैपुला है, इसमें क्या होता है, ये सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है, इसे हम ऐसे देखते हैं कि इसमें ड्रूपिंग हो जाती है शोल्डर की, ठीक है। ओवरहेड एथलीट जो होते हैं, जो बार बार बॉलिंग थ्रोइंग जिनका काम होता है, उनमें शोल्डर जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, जिस कारण से ऐसे एथलीट जो होते हैं बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, इनमें ऐसे चांसेस कि इनमें शोल्डर इंजरी बार बार होती है। और ऐसे ओवरहेड एथलीट में ही एबनॉर्मल पोजीशन भी पाई जाती है स्कैपुला की। तो इस सिंड्रोम का सबसे बेस्ट आपको अगर डायग्नोसिस या फिजिकल एग्जामिनेशन है तो वो ये है कि एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें जो अफेक्टेड साइड का शोल्डर होगा उसकी पोजीशन नीचे होगी अगर हम उसको कंपेयर करेंगे हेल्दी साइड वाले से। जिस साइड के कंधे में दर्द की कंप्लेन हमें पेशेंट देगा वो वाला कंधा नीचे की तरफ होगा और हेल्दी साइड वाला कंधा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्कैपुला की माल पोजीशन हो जाती है, जिस कारण से स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन और फॉरवर्ड टिल्टिंग हो जाती है। तो जो इसका क्लिनिकल पिक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें एंटीरियर कोरोकॉइड दर्द पेन होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर लोकलाइज्ड पेन होगा और सुप्रोलेटरल साइड जो होता है स्कैपुला का वहां पे दर्द होगा, यानी कि सब एक्रोमियल स्पेस और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के पास हमें दर्द होगा। ये देखिए, इस तरीके से एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे की पोजीशन में आ जाता है। तो ये हमारे शोल्डर ड्रोपिंग जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अनहेल्दी वाला नीचे की तरफ, हेल्दी वाला ऊपर की तरफ हो जाता है। और साथ ही साथ अब इसमें एंटीरियर साइड में लोकलाइज्ड पेन बना रहता है, जिस कारण से ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि कहीं एंटीरियर शोल्डर पेन कोई इंस्टेबिलिटी या स्लैप रीजन के कारण तो नहीं है। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें दर्द जो होता है पोस्टीरियर साइड में, यानी कि पीछे की तरफ होता है, जहाँ पे पेन जो होता है इंसर्शनल पेन होता है हमारी स्कैपुला के ऊपर, और वो इसी कारण से होता है क्योंकि वहां पे एक बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। अबडक्शन और प्रोटेक्शन के कारण उस एरिया में बहुत ज्यादा टेंशन फील होती है। तो स्पेशली जो दर्द होता है ना, वो इस एरिया में आता है। तो पोस्टीरियर साइड में दर्द महसूस होता है जो कि एक क्रॉनिक टेंशन के कारण फील होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्कैपुलर डिस्काइनेसिस, जिसमें आज हमने स्कैपुला के बारे में जाना और स्कैपुलर डिस्काइनेसिस के बारे में जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। आप सभी हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।